जी, इस बीच आप देखिए डीसीबी बैंक को अब डे हाई पर आ चुका है और 6% का इजाफा लेकर 110 के लेवल्स पर है। कैप्री ग्लोबल में मजबूती और स्ट्रेच हुई है और अब 19% की तेजी लेकर 199 के लेवल्स पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है। साथ ही आप देखिए कि स्कॉट्स को एक बहुत ही स्ट्रांग मूवर रहा है ये थ्रू आउट जुलाई सीरीज। कल नतीजे आए थे जो कि प्रोजेक्शन से बेहतर आए थे, एक स्ट्रांग अर्निंग्स कंपनी ने पोस्ट की है और आज भी स्टॉक 3.5 से 4.25% की बढ़त लेकर 268 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। और मैनेजमेंट की ओर से जो स्टेटमेंट आए हैं पोस्ट अर्निंग्स, उसमें उन्होंने कहा है कि जो स्ट्रांग मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किए हैं, अगर वॉल्यूम ग्रोथ जैसी दिखी है इस क्वार्टर में अगर वो सस्टेन करेगी तो वो इसी क्वांटम के मार्जिन या फिर टूवर्ड्स बेटर साइड मार्जिन पोस्ट करेंगे इन कमिंग क्वार्टर्स। लेकिन एक स्ट्रांग परफॉर्मर जून और जुलाई दोनों ही मंथ में ये स्टॉक रहा है और अभी भी 3.25% ऊपर ट्रेड करा है। चोखा, आपके कमेंट्स क्या हैं ऑन एस्कॉट्स? Yeah, certainly, there is a bubble in many stocks, particularly agri-related and also NBFCs. I would sell in both segments a lot of stocks, including Escorts. चलिए, इस बीच स्कॉट्स अगर आप देखें तो बाहर निकल ही रह जा रहे हैं। आई मीन ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री में काउंटर आ चुका है और कुछ स्टॉक्स जहां पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है एक बार देख लेते हैं। रिलायंस डिफेंस 60 के स्तर पे करीब 3% ऊपर है, ये तेज़ी दिखा रहा है। और लार्ज कैप में एक बार फिर से लौटता हूँ या फिर इनफैक्ट थोड़ा सा मिड कैप की तरफ चलता हूँ। निफ्टी करीब 15 अंक नीचे है। कंफर्ट कहाँ पे है? मिड कैप में चलूँ, लार्ज कैप को थोड़ी देर के लिए स्किप करता हूँ, लॉजिस्टिक्स को छोड़ते हैं। अमर राजा बैटरीज लगभग 22 रुपये ऊपर, अमर राजा बैटरीज 2 महीने के हाई पे कारोबार कर रहा है। और अगर आप देखें तो बजाज फिनसर्व छोड़ते हैं, इन सब पे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा चल चुके हैं। बिरला कॉर्प, बाटा इंडिया ठीक ठाक कर रहा है इस वक्त। कैनफिन होम्स, कैप्टन पॉइंट, बॉश, यहाँ पर तेज़ी है। उसके बाद आप देखिए डीसीबी बैंक, यहाँ पर देखिए बाजार अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। एस्कॉर्ट्स 267 पे, गति, फसोस, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, क्या एग्जैक्टली पिक करें यहाँ पर इंट्राडे के लिए या फिर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए? हीरो मोटर कॉर्प, यहाँ पर तेज़ी है। हिंदुस्तान जिंक है। शर्मा साहब, मेटल्स, पूरे डिस्कशन में आप देखिए मेटल्स पे बात नहीं हुई सुबह से अब तक। आई थिंक मेटल्स कहीं खो गया है इस पूरे दौर में। हाँ ठीक है, हिंडाल्को काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया, वेदांता ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया, लेकिन अभी टाटा स्टील, सेल, इनमें कुछ करना चाहिए? कोई स्कोप नजर आ रहा है आपको? देखिए, जब तक हमारी मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस इनफोर्स है तब तक ये स्टील कंपनीज को काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलता रहेगा और ये जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है जो काफ़ी हद तक खो गई थी वापस लौट के आ रही है। तो उस दृष्टि से डोमेस्टिक रीजन से ख़रीदना हो तो आपको कारण यही सेल वगैरह ढूंढना पड़ेगा। लेकिन एक जो अच्छा स्टॉक इनके अंदर है वो है दूसरे ग्रुप से संबंधित है जिसमें आप बात नहीं करना चाहेंगे, तो मैं भी बात नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल से इसमें टाटा स्टील के बजाय अगर स्टील अथॉरिटी पे डोमेस्टिक रीजन से आप ध्यान देंगे तो ज़्यादा श्रेयस्कर हो सकता है। जी चोखलिंगम, मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में खास तौर से अगर छोटी अवधि का नजरिया हो किसी का तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं, फिर आपकी टॉपिक क्या है अभी मिड कैप स्मॉल कैप पॉकेट से? सर्टनली वी आर एडवाइजिंग एलजी बालकृष्ण ब्रदर्स। It's according to me in 2-3 years it can be a multi-bagger. It supplies to two-wheeler companies, chains, and all the two-wheeler companies are expanding their capacity. It is a big positive, good management. And the second idea is HIL, Hyderabad Industry Limited. Yesterday the results have come. In a single quarter it has posted 42 rupee EPS. Next year we are projecting over 80 rupee EPS. So easily it can achieve a target price of around 850 rupees. Third, in sugar space, one can consider Andhra Sugar. I believe it's a momentum stock. In terms of fundamental also, it is trading at a single-digit PE. I expect robust results from Andhra Sugar. So these are the three stocks we firmly advise our clients. Sharma, ये L&T और BHL की equation को आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त? L&T आज numbers भी हैं, खैर number के बाद शायद अगर हम एक clear-cut view लेकर इस earnings season को देखने के बाद एक view बनाए तो अच्छा है। 11 रुपये स्टॉक नीचे है, लेकिन BHL ने बहुत सारी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी हैं, 200 डेमा को हिट किया टुवर्ड्स आई थिंक क्लोजिंग ऑफ द सीरीज, लास्ट सीरीज। अभी इन दोनों में या फिर ABB, सीमेंस, पुंज लॉयड, इनको भी अगर मैं जोड़ लूँ तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ नजर आ रही है? देखिए, जो इंजीनियरिंग साइड है उसके अंदर जो स्टॉक समझ में आते हैं उसमें फंडामेंटल रीजन है, छोटे छोटे स्टॉक्स हैं,
वो आपके शायद ट्रेडर्स को समझ में नहीं आएंगे। हमारी अपनी राय इसमें केएसबी पंप्स पे है, जो पहली बार कंपनी भारतीय बाजारों में काफ़ी समय के बाद निवेश कर रही है, और ये जो पंप्स जिस तरह के बनाएगी, जो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर्स में यूज़ होंगे और कहीं पे न्यूक्लियर पावर के अंदर भी यूज़ हो सकते हैं, वो सब जो जिनको सप्लाई करते थे, खासकर एशियन जो उसके कंज्यूमर्स हैं, जो पहले जर्मनी में बने हुए पंप ही लेते थे, अब इनको आश्वस्त हो गए हैं ये लोग इंडिया की जो केएसबी पंप्स है उससे लेने के लिए। तो ये चलते हुए ये कंपनी आगे परफॉर्म अच्छा कर सकती है, लेकिन ये मोमेंटम स्टॉक नहीं है और लिक्विडिटी इसमें कमी रहती है, तो आपके जो ट्रेडर किस्म के लोग हैं वो दूरी रहें, और स्टॉक लेना हो तो आप डिस्काउंटेड लेवल पे ले सकते हैं। L&T या फिर बेल से आप जो रिजल्ट से आप कुछ पाना चाहेंगे, तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई आपको संकेत नहीं मिलेगा आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। आपको जो संकेत मिलेंगे इनके बॉडी लैंग्वेज से, ये जो आगे जो गाइडेंस देंगे उससे ये आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो प्राइस टेक्निकली देख के जो आपको बेल लग रहा है, तो उसी के साथ ही रहें तो ज़्यादा श्रेयस्कर रह सकते हैं जी। ब्रजेश, कोई ट्रेड जहन में आ रहा है मार्केट ओपनिंग के बाद, जहाँ पर लॉन्ग ट्रेड्स लेने की गुंजाइश नजर आ रही हो आपको? देखिए, दो तीन ट्रेड हैं जो चार्ट पे थोड़े बेटर लग रहे हैं। पहला हेवल्स को अगर हम देखेंगे, स्टॉक समवेयर अराउंड 383 385 के आसपास में रीजन में ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई समवेयर अराउंड 387 का है उसका। जिस हिसाब से मोमेंट जो दिखा रहा है स्टॉक, वो लगता है कि ये 365 368 ब्रेक नहीं करेगा। या तो मौजूदा स्तर पे आप बाइंग कर सकते हैं, या समवेयर अराउंड 380 पे आप बाइंग कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस 368। शॉर्ट टर्म टारगेट की अगर मैं बात करता हूँ, तो लगभग आपको 400 रुपया 410 तक के लेवल निकल के आ रहे हैं। दूसरा जो काउंटर नज़र आ रहा है वो बाटा का नज़र आ रहा है। मौजूदा स्तर के आसपास भी बाइंग कर सकते हैं, या 585 के आसपास बाइंग कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 565। शॉर्ट टर्म टारगेट की मैं बात करता हूँ, 610 का निकल के आ रहा है। UPL चार्ट पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, हायर टॉप एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन चार्ट पे दिख रहा है। 622 625 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 620 के नीचे बाइंग करने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 600 रुपया। शॉर्ट टर्म के हिसाब से 645 से 655 के लेवल निकल के आ रहे हैं। अगर थोड़ा व्यू बड़ा है तो 670 के व्यू टारगेट निकल के आ रहे हैं। इस बीच आप देखिए DLF है 52 हफ्तों के नए उच्चतम स्तरों पे। जी हाँ, लास्ट जुलाई में, जून में, अगस्त में इसका प्राइस था लगभग 140। उसके बाद इसने वर्स्ट केस में 75 देखा, नाउ हिटिंग 165.50 इंट्राडे हाई। शर्मा साहब, DLF 165 रुपये, शानदार परफॉर्मेंस मार्च से लेकर अब तक, 65 रुपये कमा के दिए इसने 100 रुपये के ऊपर। जी, मेरा पहले कहना ही है कि ये मैं इसको फंडामेंटल दृष्टि से इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं समझता, लेकिन आपके दर्शकों को ये बोलता रहा हूँ कि ये सेक्टर जो चल रहा है, तकनीकी बाजार को देखें और वहाँ पे बाकायदा आप अपनी स्टॉप लॉस के जरिए या फिर डेरिवेटिव्स में कॉल्स के जरिए पोजीशन बाकायदा बनाए रखें। ये सेक्टर आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। फंडामेंटली अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप इसको रखिए, आपको शायद और ऊँचे लेवल पर देखने को मिले। तो मेरी ये राय है कि ये मोमेंटम अच्छा है और ये चल सकता है। फंडामेंटली कुछ अपने कारण हैं जहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये कंपनियाँ पूरी तरह से निवेशक के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखती हैं। थोड़ा आगे चल के सुधार कर सकती हैं, कुछ बाकी सामान बेच के, इन्वेंट्री बेच के डेट लेवल को कम करें तो बेहतर हो सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको इनके जो बोल रहे हैं उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। तो फंडामेंटल दृष्टि से मैं थोड़ा सचेत रहना चाहूँगा, तकनीकी और डेरिवेटिव्स के एंगल से इनमें अभी भी बने रह सकते हैं, नई पोजिशन भी बना सकते हैं जी। चलिए, इसके अलावा सुमित के पास चलते हैं और अब ये जान लेते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स होंगे जिन्हें आप अगस्त सीरीज के पर्सपेक्टिव से चेज कर सकते हैं। बताइए सुमित, कौन से शेयर्स हैं जो एक्शन में रहेंगे अगस्त सीरीज में? शुक्रिया दीपाली। देखिए, अगस्त सीरीज के अंदर दो ही अहम ट्रिगर हैं, एक GST को लेकर कुछ भी अगर अटकल लेती जो होती है वो, और दूसरा नंबर्स जो आने वाले हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज के नंबर जो हैं वो पेंडिंग हैं। तो इन्हीं आधार पर ही, इन्हीं थीम पर ही हमने शेयर्स को चुना है। पहला नाम आयरन एक्सचेंज का है, कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं और एक अनुमान है कि बहुत अच्छे नंबर्स कंपनी पोस्ट कर सकती है, शायद मुनाफे में 2 से 3 गुने तक का इजाफा भी आता हुआ दिखाई पड़े। तो मिड कैप कैटेगरी की एक कंपनी है, एक अच्छे नंबर्स की उम्मीदों के आधार पर आप इसे देख सकते हैं और एक ज़ोरदार नंबर्स की उम्मीद आप लगा सकते हैं इस तिमाही के लिए। इसके अलावा गति, ये शेयर कल हमने जब बताया था करीब 183 रुपये के आसपास बताया गया था, GST पास होने के बाद एक अच्छे तेज़ी की उम्मीद इस शेयर में लगाई जा सकती है। और वैसे भी इस पूरे स्पेस में सबसे सही पोजीशन जो कंपनी है वो गति है, तो क्योंकि ब्लू डार्ट के नंबर्स में इतना रुझान नहीं पॉजिटिव साइड पर आया, तो गति में एक अच्छे वॉल्यूम्स की उम्मीद के आधार पर भी आप बने रह सकते हैं, तो इसलिए भी आप इस सीरीज में गति को पर नज़र रखें।
यूनाइटेड ब्रिवरीज तीसरा शेयर था, बहुत ज़्यादा गिरावट अपने हाई लेवल से शेयर में ऑलरेडी देखी जा चुकी है, और जिस तरह यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर आए हैं ये अटकलें लगाई जा रही है कि शायद इस कंपनी के नंबर्स में भी कुछ एक सुधार आता हो दिखाई पड़े, स्पेशली जो भी पेमेंट्स कंपनी को करने थे, जो भी अदरवाइज पूरे ही विजय माल्या एपिसोड की वजह से कंपनी को पेमेंट करने पड़ रहे थे वो कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है, तो अब शायद जो नंबर्स हैं वो फंडामेंटल ग्राउंड पर थोड़े ठीक ठाक होते हुए आते हुए दिखाई पड़े, तो इस लिहाज से भी आप यूनाइटेड ब्रिवरीज को देख सकते हैं। देना बैंक, क्योंकि बैंकिंग स्पेस में ज़्यादातर सभी बैंक जो हैं सिक्वेंशियल आधार पर घाटे से मुनाफे मरा रहे हैं, और देना बैंक मिड कैप स्पेस में सबसे बड़ा घाटा देने वाला बैंक था, तो इस तिमाही में आंकड़ा यही लगाया जा रहा अनुमान में कि शायद सिक्वेंशियली बैंक घाटे से मुनाफे के अंदर आए, और प्रोविजनिंग साइड या फिर एनपीए साइड पर भी थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई पड़े, इस लिहाज से भी आप देना बैंक को देख सकते हैं। और इसके अलावा रेणुका शुगर, कुछ देर पहले मैनेजमेंट भी आया था, उनका भी मानना है कि ब्राजीलियन कारोबार में कुछ अपटिक्स आ रहे हैं, और शायद एक आंकलन ये कहता है कि 21 सेंट के ऊपर जाने पर ब्राजीलियन कारोबार मुनाफे में आ सकता है, और लगातार शुगर जो है वो 24 से 25 सेंट के आसपास कामकाज कर रही है, तो इस लिहाज से भी मान सकते हैं कि जो ब्राजीलियन इकाई है वो प्रॉफिटेबल हो सकती है, और शायद रेणुका के नंबर जो ओवरऑल है वो प्रॉफिटेबल होते हुए दिखाई पड़े, इस लिहाज से भी आप रेणुका शुगर को इस सीरीज के अंदर ध्यान में रख सकते हैं, शुगर बाइंग और प्लस कंपनी के अच्छे नतीजों का इंपैक्ट यहाँ पर आता दिखाई पड़ सकता है। शुक्रिया सुमित इस पूरी बातचीत के लिए, और इनफैक्ट अगर आप देखें ये कुछ स्टॉक्स जहां पर आप डेफिनेटली नज़र रख के चलिएगा, इस बीच जैसे कि मैं कह रहा था कि यही इसी स्टॉक्स में से गति अगर आप देखें 185 दैट मीन्स CY16 का नया हाई, और ऑलमोस्ट इसका याद रखिए ये 52 हफ्तों का नया सर्वोच्च स्तर है। एक बार मैं एक दो प्रॉपर्टी आपको गति की बता देता हूँ, यहाँ पर याद रखिए 185 के स्तर पर इसके अगर आप वॉल्यूम्स को देखें, आज के वॉल्यूम्स को देखें, इनफैक्ट ये कल का जो टोटल वॉल्यूम्स था ना वो बीते 10 दिन कल का बता रहा हूँ मैं, 10 दिन के वॉल्यूम्स जो औसत वॉल्यूम्स था, जैसे मान लीजिए औसतन 20 वॉल्यूम होते हैं तो कल ऑलमोस्ट आप देखिए करीब करीब 80 का वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं इसमें। ये मैं सोचिएगा स्टॉक बहुत चल चुका है, ये नई ट्रेजेक्ट्री में एंटर करने की तैयारी कर रहा है, नई ट्रेजेक्ट्री में। ब्रजेश क्या इन लेवल्स पे विद रिकमेंडेड स्टॉप लॉस ऑफ 175.78 फ्रेश थॉट्स के साथ गति को ट्रेड करना चाहिए? देखिए वीरेन जी, गति के ऊपर पहले भी हमने डिस्कशन किया था, आप ही के शो पे ही मैंने इसको रिकमेंड किया था समवेयर अराउंड 140-145 एंड गिव अ टारगेट ऑफ समवेयर अराउंड 175। स्टॉक्स स्टिल इज मूविंग इन अ स्ट्रांग रेंज, अगर आप वीकली चार्ट पे अगर आप इसको देखेंगे तो समवेयर अराउंड 345 से जो इसमें बिकवाली देखने को मिली थी इट वेंट ऑल द वे डाउन टू 92 रुपीज। अगर आप उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आप ड्रॉ करते हैं तो समवेयर अराउंड 50% कम्स अराउंड 220 रुपया 218 रुपया 220 रुपये के आसपास में आता है। स्ट्रांग वॉल्यूम के संग में गति मूवमेंट में आ रहा है, मौजूदा स्तर पर भी आप बाइंग कर सकते हैं विद अ डीपर सपोर्ट स्टॉप लॉस ऑफ समवेयर अराउंड 160 फॉर द टारगेट ऑफ 220। अगर थोड़ा व्यू ब्रॉडर लेके अगर हम चलें समवेयर अराउंड से वन ईयर प्रोस्पेक्टिव लेके चलते हैं स्टॉक कैन गो ऑल द वे टू 250 ऑल्सो। इस बीच आप देखिए डीसीबी बैंक को 5.5% ऊपर था कुछ देर पहले, अब 9.5% ऊपर आ चुका है 113 के लेवल्स पर डीसीबी बैंक का स्टॉक। आप देखिए इंडिया ग्लाइकॉल आज का सुपर शेयर अब ऑलमोस्ट 8% के स्पाइक के साथ अगेन दिन के उच्चतम स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, और जो लेवल्स देखे जा रहे हैं इंडिया ग्लाइकॉल में वो है 103 रुपए के, दिन के उच्चतम स्तरों पर यह स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। शर्मा साहब कुछ देर पहले आपने कहा था कि एक स्टॉक और अभी आपको बताना है, वो भी बताइए हमारे व्यूअर्स को कौन सा शेयर इस पर आप दाव लगा रहे हैं। जी वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब दूसरा सेशन वीरेन ने पूछा था वो बेसिकली रिलायंस कैपिटल है, और मेरे हिसाब से वो एक तो ये बड़ा स्टॉक है और ऊपर से जो सेक्टर है जो चहेता चल रहा है इस वक्त फाइनेंशियल कंपनीज का उसी सेगमेंट में से है, थोड़ा सा बड़ा है और उतने वैल्यूएशन परिपक्व नहीं है, डेरिवेटिव्स के अंदर भी और तकनीकी दृष्टि से दोनों ही दृष्टि से अच्छा है, और ये सोचते हुए कि अब यहाँ पे आप नए घोड़े ढूंढने पड़ेंगे तो उसके हिसाब से बिल्कुल उपयुक्त है। तो ये एक स्टॉक है जिसमें फंडामेंटली थोड़ा कन्विक्शन है और टेक्निकली और डेरिवेटिव स्टॉक्स दृष्टि से तो अच्छे ही हैं ट्रिगर्स, और इनके अंदर आप बाकायदा पोजीशन बना सकते हैं। चलिए शुक्रिया शर्मा साहब आपका भी और चोखलिंगम आपका भी शो में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने कॉमेंट्स शेयर करने के लिए।